हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। आज फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो मैं अभी जाऊंगा, सतीश भैया एक हैं जिनके बारे में बताऊंगा कभी, तो उन्हीं के पास जा रहा हूं। तो वो कुछ काम से बुलाए हैं। ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, मैं आगे आपको बताता हूं। तो गाइस, मैं आ गया सतीश के घर से वापस, और वो काम ये था, बैंक जाना है तो मुझे उससे कुछ पैसे लेना है, तो इसी वजह से बुलाया था कि बैंक चले जाओगे, ऐसा वैसा कुछ बात था। तो देखते हैं, बैंक जाएंगे उसके बाद ही आपको बताएंगे। फिलहाल मैं पहले चलूँगा, आज मंडे है तो मैं जाऊँगा मंदिर, दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर और शशि को भी लेते आऊँगा, वो भी शायद पूजा वूजा करेगा। तो शशि पहले से ही आया है, तो आप देख लीजिए वहाँ बाइक के पास। तो मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आपको दिखाएंगे मंदिर में। तो हम लोग चलते हैं मंदिर शशि के साथ। तो गाइस, शशि चला रहा है बाइक और हम पहले दुकान जाएंगे और एक नारियल खरीदेंगे, अगरबत्ती खरीदेंगे। रोशन का दुकान है, अगरबत्ती 10। तो गाइस, हमने ले लिया है नारियल, अगरबत्ती, माचिस। तो अब हम लोग सीधे चलेंगे मंदिर। तो गाइस, यहीं से लेफ्ट की ओर जाना पड़ता है, तो ये सीधे महादेव कोना। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, ये देखो इस जगह का नाम है महादेव कोना, जो कि यहाँ फेमस है, सारे यहाँ पे जानते हैं। तो ये जो ये पेंटिंग दिख रहा है ना, ये हम ही लोग का बनाया हुआ है, देखिए गाइस। महादेव कोना पूजा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है, हम ही लोग का लिखावट है। तो ये देखिए गाइस, ऐसा बनाया था मैंने, और मेरा आर्ट चैनल भी है यूट्यूब पर, ये मैंने यहाँ पे लोगों के साथ डाल दिया था। और इसका टाइम लैप्स वीडियो मैंने मेरे आर्ट वाले चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ का व्यू ऐसा है, और इस साइड में देखिए गाइस, बड़ा सा एक हनुमान जी का मूर्ति है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, वही 10-15 फीट का होगा। तो इस टाइप का ये यहाँ इसका बाइक, उससे पीछे जो दो मंदिर उस साइड में है, और ये है गाइस मेन मंदिर, जो अभी हर साल थोड़ा थोड़ा बनते रहता है, डेवलप होते रहता है। तो इसके जस्ट पीछे साइड देखिए आप, कितना बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। और शशि आगे आगे जा रहा है, पूजा हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ बोल नहीं सकता। ये देखो गाइस, ये बहुत पुराना स्टैचू टाइप का, लेकिन बहुत पुराना है, प्राचीन काल का ये स्टैचू है। तो ये देखिए ऐसा ऐसा इसमें, और यहाँ से निकला है, मतलब यहाँ पे बहुत पहले कभी जमीन को खोदा गया था, तो वहीं से ये सब निकला हुआ है।
दो नंदी इस साइड में है, बैक साइड में दो नंदी है। तो गाइज मेन मंदिर में तो भीड़ था, तो हम लोग ये जो उसके जस्ट सामने एक मंदिर है उसी में हम पूजा करेंगे। तो अंदर का व्यू ऐसा है, देख सकते हैं शिवलिंग है, वो प्राचीन शिवलिंग है। तो गाइज हम पूजा करके आपको मिलते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर, सस्सी को उसके घर छोड़ के, और अभी मैं करूँगा ड्राइंग। वही दिन जो महेंद्र सिंह धोनी का जो अधूरा था उसको पूरा करूँगा, जितना हो सके उतना करूँगा, पूरा होगा या नहीं होगा। तुरंत लाइट भी चला गया, मतलब मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, और मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट भी कट गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितना पेंट किया है उसे। तो ये देखो गाइस कैसा लग रहा है, अभी ये जब फिनिशिंग हो जाएगा पूरा तो आपको लगेगा। अभी मैं लाइट तो नहीं है पर देखिए ऐसा जुगाड़ लगाया हूँ, ऐसा लाइट मैंने लैंप के जरिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा बना रहा हूँ। गाइस बारिश हो रही है तो फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा मेरी पेंटिंग को, और आपको दिखाऊँगा शाम को। और देखिए गाइस बहुत बारिश हो रही है, और शाम को मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहो। देख सकते हैं बाहर पानी से रोड भीग चुका है। तो गाइस फिर से मैं चलूंगा अपने रूम में, फिर से ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं जब तक होता है। लाइट तो है नहीं बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कितना मैंने पेंटिंग बनाया है, उसको आप देखिए। ये देखो गाइस मैंने कितना कंप्लीट कर दिया है, और आप कमेंट करके बताइएगा मैं कैसा बना रहा हूँ। शाम के बज चुके हैं 6:30, तो मैं दिखाना चाहूँगा कितना मैंने ड्रॉ किया है, वो देख लीजिए गाइस और कमेंट करिएगा कैसा मैं बना रहा हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा वर्क, मोस्टली 3 घंटे लगे हैं इसे, पिछले बार जितना मैंने बनाया था वो देख चुके थे आप, और तब से 3 घंटे में मैंने इतना कंप्लीट किया है। तो गाइस आपने देख लिया मेरा महेंद्र सिंह धोनी वाला पेंटिंग, तो आप कमेंट करके बताना मैंने कैसा बनाया है। और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। गाइस नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।